हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग देखने वाले हैं बॉय सुमित चैनल से कौन महंगा कपड़ा पहनता है, पवन सिंह, खेसारी लाल, टुनटुन यादव, भोजपुरी इंडस्ट्री, बॉय सुमित। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कौन कौन कितना महंगा कपड़ा पहनता है, कौन अरमानी, गुच्ची, रोलेक्स एंड बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के चीज़ें पहनते हैं। क्लोथिंग ब्रांड्स बहुत सारे हैं, ठीक है, बड़े बड़े क्लोथिंग ब्रांड्स, ठीक है, लाइक अरमानी के सूट्स ले लो या सब्यासाची की साड़ियां ले लो, ठीक है। यहाँ एक्ट्रेसेस की बात नहीं हो रही है, बट मतलब हम एक्टर्स के बारे में जानेंगे कि कौन कितना महंगा कपड़ा पहनता है। चलो स्टार्ट करते हैं, किसे कौन सा शौक है वो हमें जानने को मिलेगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसके ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बतावो लोग, पवन भैया है जो उनका परवा पहनले बान, एकर दाम बाबे 32,500। अरे यार, इतना में तो हमर 3 साल के कपड़ा हो जाई। तो क्या हाल बा भाई लोग, हम हैं दुनिया के सबसे बर्बाद इंसान और आज हम तार लूँ के दिखाएं कि भोजपुरी के सुपरस्टार कितना महंगा महंगा कपड़ा पहने लोग। तो चलो लोग ना, खेसारी भैया से शुरू कर जाओ। ओके। तो ध्यान से देखिए आप लोग इस फोटो को। इस फोटो में जो खेसारी भैया जैकेट पहने हैं, अगर जो ओकर दाम हम तार से बता दें तो तू लोग कहबा लोग बाप रे इतना महंगा खेसारी भैया जैकेट पहन ले बारन, इतना में तो एगो हमारे मोबाइल किना जाइए। और तू लोग जानता लोग कितना दाम बा, 10,289 रुपया। आई फोटो में जोन पैंटो पहनले बान ओकर दाम बावे 1,804 रुपया। आ है जोन उजला वाला शर्ट पहनले बान एकर दाम बावे 1,999 रुपया। और ना तो है जोन चश्मा पहनले बारन एकर दाम बावे 599 रुपया। आ ना तो जोन सबसे नीचे गोरवा के नीचे जूता पहनले बान ओकर दाम बावे 21,000 रुपया। जान जा लो खेसारी भैया ऊपर से लेके नीचे तक के 35,691 रुपया के जूता, कपड़ा, चश्मा पहनले बारन। उनके गाड़ी नहीं बताई। सुपरस्टार हो जाइबो त तहार एगो अलग ही जिंदगी बा, साला एगो हमनी के जिंदगी बा। कौनो कपड़ा 100 रुपया के किने निसन और ओकरा के रगड़ के 1 साल 2 साल खूब पहने निसन, आ जब फाट जाला नु तो बिगे निसन, आ ओकरा के साफी बना देबे निसन। साले तू अब है वाला फोटो हुआ के रहुआ लोग जरा ध्यान से देखी कि फोटो में जो रितेश पांडे कोट पैंट पहनले बान एकर दाम पावे 17,493 रुपया। तू लोग आराम से एकरा के ऑर्डर करके मंगा सकता है लोग और पहन सकता है लोग और झमका सकता रहा लोग। लोग शादी में पहनते हैं फोटो हवे और जानता लोग ऊपर से लेके नीचे तक के कितना फुल ड्रेस लग रही पहनले बारन। तो है जोन उजला वाला शर्ट पहनले बारन एकर दाम बावे 3,029 रुपया। है जोन पैंटा पहनले बारन एकर दाम बावे 1,049 रुपया। आ है वाला जोन जूतवा पहनले बारन एकर दाम बावे $28। अगर जो डॉलर के इंडिया रुपीज में कन्वर्ट कर जाओ तो हो जाए 2,324 रुपया। जान जा लोग 2,300 रुपये खाली जूते पहन ले बारन। हाय भोजपुरी मतलब नॉर्मल है आजकल सुपरस्टार के फोटो। और ये फोटो में जानता लोग कितना महंगा के कपड़ा पहन ले बारन। हाई कोट पैंटवा, ये कोट पैंट अगर तू लोग खरीदे जेब लोग तो तहाल उनके मिली 37,900 रुपया के। और तू लोग ये पहन के झमका सकता रहा लोग। और अब तू लोग ये सोचत बोलो कि का बोल सुमित जी, भोजपुरी के सुपरस्टार कौन दम के कपड़ा अपना ना पहनले लोग। तो पहनले लोग यार है पवन भैया जौन शर्ट पहनले बहन हाफ शर्ट एकर दाम बावे 1,299 रुपया। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और ना तो अब यार तू लोग कॉमन ही बताओ लोग कि तू लोग कितना महंगा कपड़ा पहने ले लोग। हम तो यार भीख मांग के पहने नहीं। तब आगे लाइकर से ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। मैं सच बताऊं तो ये बहुत ही नॉर्मल से दाम है, ठीक है, और खासकर स्टार्स के लिए ये बहुत नॉर्मल दाम है, बहुत ही नॉर्मल मिनिमम दाम है, ठीक है। लाइक जिस हिसाब से मतलब ये स्टार्स हैं, इनकी जो फैन फॉलोइंग है, ठीक है, इनके कपड़ों का दाम तो और महंगा होना चाहिए था। लाइक
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ कम दाम में जो कपड़े मिलते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं या वो स्टार्स पहन नहीं सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे आप साउथ के सेलिब्रिटीज को देखो, रजनीकांत सर हैं, थलापति विजय हैं, ठीक है, अल्लू अर्जुन हैं, और जितने भी स्टार्स हैं ना बहुत नॉर्मल मिनिमल कपड़े पहनते हैं। अवार्ड शो में तक आपने अगर थलापति विजय को देखा हो, वो एक अवार्ड शो में गए थे, ठीक है, उन्होंने महज एक चप्पल पहन रखी थी, चप्पल, जूते भी नहीं, चप्पल पहनी थी, ठीक है, चप्पल पहनी थी, नॉर्मल सी पैंट पहनी थी और शर्ट पहना हुआ था बस, और वो शर्ट भी उन्होंने पैंट के बाहर कर रखी थी। लाइक एक नॉर्मल इंसान जैसे राशन लेने जाता है ना, वो एक अवार्ड शो में गए थे, लेकिन उन्हें किसी कपड़ों की या किसी पहचान की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे ही यहाँ भोजपुरी स्टार्स हैं, ठीक है, इन्हें भी कोई बहुत महंगे कपड़े पहनने की इतना जरूरत नहीं है, और ये 32-23 हज़ार ये तो नॉर्मल है। लोग आजकल मिडिल क्लास फैमिली जो होती हैं, ठीक है, लाइक शादियां वगैरह करते हैं, जब वो शादी करते हैं तो आप शेरवानी ले लो, ठीक है, गर्ल्स के, लेडीज के जो लहंगे आते हैं वो 30-35-35 हज़ार के, 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 5-5 लाख तक के लहंगे पहनती हैं मतलब औरतें, ठीक है, जो जिनकी शादी हो रही होती है, लेडीज जो शादी हो रही होती है, इनफैक्ट मम्मी और जो फादर होते हैं, ठीक है, मम्मी पापा लोग जो होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे ब्रांडेड जोड़ो महंगे बहुत अच्छे क्वालिटी के उसके बाद जब कपड़े लेते हैं ना, तो वो भी इन्हीं फिगर्स में आते हैं, 30 फिगर्स में तो बहुत सारे लोग कपड़े पहनते हैं। और मेरे ख्याल से यार ये बहुत नॉर्मल सा एक फिगर है जो बॉय सुमित भैया ने यहाँ पे बताया। अगर बॉलीवुड की बात की जाए, ठीक है, तो बॉलीवुड का तो कोई था ही नहीं है। देवदास जो पिक्चर बनी थी, जो संजय लीला भंसाली ने बनाई थी, उसमें माधुरी दीक्षित के वो हरे वाले लहंगे का दाम पता है? उस मतलब चांदी के तारों से, चांदी और सोने के तारों से, उसके बाद तार जो होते हैं ना सिलने वाले, चांदी और सोने के तारों से उसमें कढ़ाई की गई थी। अब उसका अंदाजा लगा सकते हो कि वो लहंगा कितना महंगा होगा, ठीक है। अभी ये पद्मावत जो मूवी आई थी, इस मूवी में जो घूमर गाने में दीपिका पादुकोण ने जो लहंगा पहना हुआ है, ठीक है, उसका वजन करीब करीब मतलब 25 किलो से ऊपर है, 25 किलो से ऊपर का लहंगा और ज्वेलरी अलग से वो पहन के उसके बाद इतना फैबुलस डांस कर रही थी, और उसका वजन तो जाने दो, उसका दाम भाई आप गूगल सर्च कर सकते हो, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, उसका दाम मतलब करोड़ों में है, करोड़ों में। तो ये हजारों के कपड़े तो कोई मायने ही नहीं रखते, सच्ची बता रही हूँ। लेकिन हाँ ये चीज है कि सेलिब्रिटीज को मतलब एक अपना स्टेटस जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है, एक अपना स्टेटस मेंटेन करके रखना पड़ता है। जैसे जैसे आपकी लाइफ ग्रो होती जाती है ना, जस्ट लाइक अगर सोचो, बहुत सारे लोगों का ये सोचना होता है, वो आदमी का कपड़ों से ही उसे जज करते हैं, मोस्टली 70% इंसान को आप यही देखोगे, वो आदमी के कपड़ों से ही उन्हें जज करेंगे कि हाँ ये कैसा कपड़ा पहन रहा है, ये कैसा कपड़ा पहन रहा है, ये सेलिब्रिटी है तो कैसा कपड़ा पहन रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग, मोस्ट ऑफ द लोग कपड़ों से जज करते हैं कि हाँ ये ऐसा कपड़ा पहन रहा है तो ये इंसान ऐसा होगा। तो पहनना पड़ता भी है, एक जो सोशल स्टेटस है वो बैलेंस करके चलना पड़ता है, ठीक है। लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि जो अमीर हैं उनके पास तो मतलब बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा है, इन्हें किस चीज़ की कमी होगी, इन्हें किस चीज़ का, लेकिन आपने कब सुना होगा कि हाँ इन्होंने इतना बैंक लोन लिया है, ठीक है, इन्हें अपने एक्सपेंस जो इनके खर्चे हैं वो चुकाने के लिए अपना घर बेचना पड़ा या अपना गाड़ी बेचनी पड़ी, अपनी घड़ी बेचनी पड़ी। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उन्हें अपना सोशल स्टेटस जो होता है वो मेंटेन करके चलना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें महंगे महंगे कपड़े, घड़ी, चश्मे, जूते, चप्पल, ठीक है, साड़ियाँ, ये हर एक चीज़ लेनी पड़ती हैं। और सच्ची, और एक चीज़ और है कि बॉय सुमित भैया से ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि न सिर्फ एक्टर्स बल्कि एक्ट्रेसेस के बारे में भी हमें उतनी ही जानकारी दें, क्योंकि एक्टर्स के साथ साथ एक्ट्रेसेस जो होती हैं, ठीक है, जो हीरोइनें होती हैं उनका भी उतना ही रोल होता है मूवी, तो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस दोनों के बारे में ही जानकारी दें, उन्हें भी प्रमोट करें। भोजपुरी में बहुत ज़्यादा अनइवेननेस है, मैं ये
चीज कहना चाहूंगी, भोजपुरी में बहुत ज्यादा पक्षपात है, दोगलापन है, ठीक है, भोजपुरी इंडस्ट्री में, कि मतलब एक्टर्स को तो पूछा जाता है, मतलब हीरो तो जहां भी हीरो को बहुत ज्यादा उसकी डिमांड रहती है, हीरो की बहुत ज्यादा पूछ रहती है, ठीक है, लेकिन हीरोइंस को बहुत कम किसी चीज का मौका मिलता है, ठीक है, उनकी पेमेंट भी कम है, उनका काम भी कम है, जबकि काम सबसे ज्यादा उन्हीं से निकलवाया जाता है ना। खैर, आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।